कैसे सफल होगा एनएमएमटी का स्मार्ट कार्ड, कंडक्टर और प्रवासी दोनों अनजान, मनपा की तैयारियों की खुली पोल। स्मार्ट कार्ड चालू झाले की नाही? नाही नाही, आम्हाला जब से नोटीस लावलेत नाही तर आम्हाला काय माहिती होणार आहे? फिरा तो एक एसी बस के लिए दिया गया है। प्रशिक्षण तो देना मांगता है सबको, सबको जानकारी मांगता है ना उसका। ना कंडक्टर को ट्रेनिंग दिए जा रहे, दिए गई है। नवीन भाई, मनपा परिवहन यानी एनएमएमटी ने एक ऐसा स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है जो यात्रियों को बस टिकट के साथ ही खरीदारी कराने के साथ एटीएम कार्ड की तरह पैसे निकालने में काम आएगा। कोरोना लॉकडाउन के कारण एनएमएमटी ने मार्च 2020 से इसे बंद कर दिया था, जिसे फिर 1 दिसंबर से रिलॉन्च किया गया है। मनपा डंका पीट रही है कि इसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस स्मार्ट कार्ड के बारे में खुद मनपा बसों के कंडक्टर और ड्राइवर भी नहीं जानते। उनका कहना है कि इस कार्ड को लेकर परिवहन उपक्रम ने कोई जानकारी तक नहीं दी है। फिर समझना कठिन नहीं है कि यह योजना कितनी सफल होगी। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए। स्मार्ट कार्ड चालू झाले की नाही? नाही ना, आम्हाला जब से नोटीस लावलेत नाही तर आम्हाला काय माहिती होणार आहे? अशा नोटीस सूचना लावतात, सूचना लावलेल्या त्या आम्हाला पालन करायला लागतं कुठल्याही कार्डाचं। अशी सूचना तुमच्याकडे आलेली नाही? आलेली नाही ना, आम्हाला अद्याप काहीच फायदा माहिती नाही। स्मार्ट कार्ड है तो अच्छा है, इससे चिल्लर का झंझट मिट जाएगा। और पेमेंट कैसा है? डिजिटल, मतलब ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा और जो पेमेंट का झिझक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसका कोई नोटिस बिटिस नहीं लगा है ना डेपो में। अच्छा, तो डेपो में नोटिस बिटिस लगा दे तो जानकारी पता चलता ना। हाँ, बताना तो ज़रूरी है। ये मैंने आपने मेरे को बताया तो अब मेरे को जानकारी मिल गई ना। प्रशिक्षण तो देना मांगता है सबको, मतलब कैसा किसी को सबको जानकारी मांगता है ना उसका, कैसा इस्तेमाल करने का है, कैसा करने का है। नहीं, अभी तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन ऐसा चर्चा चालू था कि पहुँचेगा करके। शायद अभी एक थोड़े दिन के बाद में जानकारी मिलेगी। कोई योजना शुरू करने से पहले हमारे एनएमटी में एक नियम रहता है, तो सबके लिए अपना जानकारी लागू करते हैं, क्योंकि पत्रिका निकलते जानकारी लागू करके। फिर उसके बाद में सबको तीन ही डेपो में मालूम गिर जाता है कि एक अदर जानकारी आ रही करके, ऐसा नया काम के बारे में। हाँ, इम्पोर्टेंट है, अगर वह जानकारी नहीं तो फिर हम डायरेक्टली काम कैसे करेंगे। जी हाँ, ये वही ओपन लूप नई स्मार्ट कार्ड है जिसे चालू कर एनएमएमटी देश की पहली परिवहन संस्था बन गई है। इस कार्ड को एचडीएफसी बैंक द्वारा 100 रुपये के शुल्क और कुछ दस्तावेजों को जमा कराने पर दिया जाता है। कार्ड प्रदाता अधिकारी की माने तो यह बैंकों के डेबिट कार्ड की तरह है, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग के साथ ही सिनेमा, ट्रेन, बस और एयर टिकट भी खरीद सकते हैं, साथ ही मोबाइल और बिजली का बिल भी चुका सकते हैं। बड़ी बात यह है कि कार्ड पूरे भारत में मान्य है और डेटा सुरक्षा की गारंटी दी गई है। आप किधर भी आप यूज करते हैं, शॉपिंग मॉल, अपना रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज सब कर सकते हैं, और अपने बस में भी टिकट निकाल सकते हैं। जैसा नॉर्मल डेबिट कार्ड यूज होता है वैसा इसका यूज हो सकता है। खैर, सब तैयारी हो गई है, डेटा सुरक्षा सब तैयारी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये कार्ड अपने एटीएम कार्ड में भी चलेगा और अपना एनएमटी बस में भी जाएगा, एनएमटी बस में चलेगा, बाकी सब अपने देश में एटीएम कार्ड में चलेगा। हाँ, यात्री ठीक से कर सकते हैं प्रवास, उसके लिए कंडक्टर के पास मशीन दिया गया है सबके लिए। इसमें दो राय नहीं कि ऐसी सुविधा नवी मुंबई के प्रवासियों के लिए बेहद उपयोगी है, लेकिन इसके उपयोग के लिए यात्रियों के साथ ही बस कंडक्टरों और ड्राइवरों के बीच भी जागरूकता फैलाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।